तुम लोग सैनिकों ने मुक्त कैसे कर दिया? आचार्य मार तब ने राजा के सैनिकों को ऐसे पाट पड़ा कि वो सब वहाँ से भाग गए। अकेले उन सबको परास्त कर दिया। सब ऐसे भयभीत हुए कि मुझे देखकर ही हंसी आ रही थी। हाँ माँ, अत्यंत बलशाली है ये। जैसे हम देवी देवताओं की कथा में सुना करते हैं, उसी प्रकार। पिताजी, इन्होंने हमें ही नहीं बल्कि सभी बालकों को मुक्त करा दिया। आचार्य, आप भीतर आइए। आप बाहर सुरक्षित नहीं है, आइए। आपके इस उपकार के प्रति हम जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे। जहां ईश्वर ने भी साथ नहीं दिया, वहां आपने सहायता की। आप ही हमारे लिए ईश्वर समान है। आचार्य, आप कहां से आए हैं? इस राज्य के तो प्रतीत नहीं होते। कैलाश के समीप स्थित एक छोटा सा गांव है, वहीं से आए हैं हम दोनों। मैं हूं आचार्य महाराज और ये मेरी धर्म पत्नी देवी गायत्री। हमने सोचा इस राज्य में ज्ञान वृद्धि हेतु शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। नहीं आचार्य, नहीं। आप इस राज्य से कहीं कहीं दूर चले जाइए। हमारे राज्य में शिक्षा व्यापार बन चुका है। अधिकतम गुरुकुल शिक्षा के लिए शुल्क मांगने लगे हैं, और जिन गुरुओं ने ऐसा करने से मना कर दिया उनको उनको बंदी बनाकर ले गए। आचार्य, अत्याचारी अत्याचार हो रहा है इस राज्य में। मैं भी स्वयं इस राज्य से दूर जाने वाला हूं, अपने अपने परिवार सहित। पता नहीं राजा के सैनिक और क्या क्या अत्याचार करें। भय से तुम जितना दूर भागोगे, भय उतना ही तुम्हारे समीप आएगा। यदि इस राजा के अत्याचार के रूप में नहीं तो किसी और रूप में, किंतु आएगा अवश्य। भय का केवल एक ही समाधान है, और वो है भय का सामना करना। हम अपने लिए भयभीत नहीं है, हम तो अपने पुत्र और पुत्री के लिए चिंतित हैं। किंतु अपने पुत्र और पुत्री को लेकर यदि सभी ऐसे ही पलायन करने लगे तो यहाँ हो रहे अन्याय का अंत नहीं होगा। अन्य अभिभावकों सहित तुम सबको संगठित होकर एकजुट होकर सामना करना होगा। इस संघर्ष से ही तुम अपने संतानों के भविष्य को सुरक्षित कर पाओगे, क्योंकि जो दुर्दशा यहां हो रही है अन्य राज्यों में भी हो रही है। यदि ऐसा है तो हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तब तो हमें यही रहना चाहिए। कुछ नहीं से कम यहां कुछ परिचित तो है। किंतु हम शिक्षा के लिए शुल्क कहां से देंगे? यदि शुल्क देते हैं तो पेट भरने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, और यदि नहीं देते तो सैनिक गांगे और उमा को पुनः ले जाएंगे। किंतु यदि तुम हमें यहां शरण दो तो हम तुम्हें शुल्क दे सकते हैं। प्रतिमा, नहीं नहीं आचार्य, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने हमारे पुत्र की रक्षा कर हम पर उपकार किया है, हम आपसे शुल्क कैसे ले सकते हैं? शुल्क दिए बिना
हमें यहां रहना स्वीकार नहीं। चलिए स्वामी, कहीं और आश्रय ढूंढते हैं। अवश्य। आचार्य, एक कक्ष है, सुख साधन नहीं है वहां पर, किंतु आश्रय योग्य अवश्य है। अब यदि आप देखना चाहे तो। अब देखने की आवश्यकता क्या है, हमें स्वीकार है। आइए आप लोग भीतर चले, मैं कुछ भोजन का प्रबंध करती हूँ। आइए। ज्ञान मूर्ति आओ। महाराज, मैंने अपने राक्षस मित्रों के माध्यम से इन योद्धाओं को बुलाया है। ये हमारे विशेष सैनिक होंगे महाराज, किंतु इनकी सेवा के लिए इन्हें हमसे धन और बंदी बनाए गए मनुष्य चाहिए। आहार हेतु आनंद आनंद। अब तो अवश्य ही मिलेगा और भरपूर आहार मिलेगा। अब बताओ क्या निवेदन लेकर आए हो तुम? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। मैं तो ये बोल रहा था कि आपके द्वारा बनाए हुए नियमों से प्रजा में बहुत संतुष्टि है महाराज। होनी भी चाहिए, क्या हमारा समय व्यर्थ ना करो, निकला। जी महाराज, चल। रुको, तुम महाराज जी से कुछ निवेदन करने वाले थे। चलो ऐसा करते हैं कि कल तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ? हाँ, शास्त्रार्थ। और यदि तुम मुझे पराजित नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी भी होगी। जल 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 समाधि। चलो। आनंद, अत्यानंद। स्वामी, इस राज्य में तो अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। हाँ पार्वती, ये सब राजा के अमात्य का षड्यंत्र है। वो स्वयं देवी सरस्वती का उपासक हुआ करता था, किंतु देवी सरस्वती के मौन होते उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो स्वयं विपरीत ज्ञान का प्रसार कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो समय आने पर अवश्य प्रत्यक्ष होगा। अमात्य ज्ञान मूर्ति ने स्वयं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब राक्षसों को भी सम्मिलित कर लिया है। राक्षसों को? हाँ पार्वती, और इसीलिए अब इस प्रक्रिया में गणेश और कार्तिकेय का सम्मिलित होना भी आवश्यक है। आपने इसलिए उन्हें यहाँ बुलाया है? हाँ पार्वती। तो वो अब तक आए क्यों नहीं?
आचार्य महातब और देवी गायत्री, आप दोनों को हमारा प्रणाम। आप दोनों को इस रूप में देखकर हम धन्य हुए। आदेश दीजिए पिताजी। समय आ गया है पुत्र, तुम दोनों को इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने का। देवी सरस्वती की अनुपस्थिति से उत्पन्न हो रहे असंतुलन को संतुलित करने के लिए अपना योगदान देने का। हम दोनों इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह हमारा सौभाग्य होगा। एक गर्दभ था, एक दिन वो वन से जा रहा था। उसे दुख था, ये दुख कि उससे कोई भयभीत क्यों नहीं हो रहा। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे सब उसका सम्मान करें। अकस्मात उसकी दृष्टि व्याघ्र की छाल पे पड़ी। व्याघ्र की छाल को देखते ही उसने सोचा कि यदि मैं ये छाल पहन लो तो सब मुझे व्याघ्र समझेंगे। और गर्दभ ने व्याघ्र चर्म को धारण कर लिया और उसने व्याघ्र की भांति धारने का प्रयास किया। किंतु सोचो, ध्वनि कैसे निकली? ऐसी ध्वनि निकलने के पश्चात उस गर्दभ ने यह सोचा कि वो कभी भी किसी के समक्ष दहाड़ेगा नहीं। और उसके पश्चात वो जा पहुंचा उस गांव जहां अभी अभी गांव वासियों ने उसका उपहास किया था। और जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा वो सभी भयभीत हो गए। और ये देखकर गर्दभ का उत्साह तो और भी बढ़ गया। उसने सबको और भयभीत किया और उसके पश्चात उसने ये सोचा, मनुष्य तो भयभीत हो गए मुझसे, अब मुझे वन जाकर सभी पशुओं को भी भयभीत करना चाहिए। और वैसा ही हुआ। वन में भी सारे पशु उसे देखकर भयभीत हो गए और गर्दभ का अहंकार वो तो बढ़ता ही गया। वो स्वयं को व्याघ्र ही समझने लगा। तत्पश्चात एक समय ऐसा आया जब व्याघ्र के समक्ष एक हाथी आया। वो हाथी व्याघ्र को अपने समीप पाकर उससे तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। गर्दभ अपनी वास्तविकता भूल गया और उसने दहाड़ मारने का प्रयास किया। और सोचो, उसके मुख से कैसी ध्वनि निकली होगी। उसके पश्चात उस हाथी ने गर्दभ को समझाया कि यदि तुम जीवन में सम्मान चाहते हो तो तुम्हें उस सम्मान को अपने कर्मों से अर्जित करना होगा। और वो तभी संभव है जब वो स्वयं अपनी वास्तविकता, अपने कर्तव्य और अपने धर्म का स्मरण रखे। किसी और का रूप धारण करने से, औरों को भयभीत करने से सम्मान कभी प्राप्त नहीं होता। और गर्दभ को उस दिन ये सत्य समझ में आ गया कि अपना धर्म और अपना कर्तव्य, अपने दायित्व का उचित निर्वाह तभी संभव है जब हम स्वयं अपनी वास्तविकता के समीप हैं। जब भी हम उससे दूर भागते हमें निराशा ही प्राप्त होती। शिरवंती, शिरवंती, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? शास्त्री जी का निधन हो गया। क्या निधन? क्या हत्या ही है। राजा ने पंडितों के प्रतिनिधि मंडल का प्रस्ताव अस्वीकार किया। प्राचार्य ज्ञानमूर्ति एक झूठे शास्त्रार्थ में शास्त्री जी को निमंत्रित कर उन्हें जल समाधि दिलाना चाहता था। देखा आपने आचार्य, ये राज्य रहने योग्य नहीं है। यहां से पलायन उचित है।
और जहां ऐसा राजा राज करता हो वहां सुधार की भी कोई आशा नहीं है।